Welcome, dear students. Today we are going to deliver our first lecture. So stay tuned. करने वाले हैं जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है सेट थ्योरी. क्या रहने वाला है भाई? हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है आज वो रहने वाला है सेट थ्योरी. जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेट थ्योरी? आज का सबसे पहला लेक्चर जो मैथ्स में स्टैटिस इकोनोमेट्रिक्स जो हम पढ़ते हैं वो सबसे पहले यही चीज पढ़ लेते हैं कि सेट्स क्या होते हैं. सेट से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल जो सेट होता है ये क्या होता है? सेट जो होता है आपका सेट होता है एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या आइटम्स. तो ये जो बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं या आइटम होते हैं ये क्या होते हैं? आइटम्स या एलिमेंट भी हम इसे कहते हैं. तो इस चीज को समझने के लिए, एलिमेंट को समझने के लिए हमें सेट पता होना चाहिए कि सेट क्या होते हैं कि अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज दी गई है लाइक 2, 3, 5, 6, 7 या ए पी ई डी आई. अगर मैं इनको कलेक्ट कर लूं पेयर्ड ब्रैकेट में, पेयर्ड ब्रैकेट इट्स अ पेयर्ड ब्रैकेट, देन इट इज नोन एज सेट. क्या है सेट? सेट की खासियत क्या होती है? ये अनऑर्डर्ड होते हैं. सेट हुआ अनऑर्डर्ड है. लाइक इसमें हम मैं पहले 10 लिख सकता हूँ, फिर 1 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ. ठीक, जब ये इस तरह से दिया गया होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये सब क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स. क्या है बेटा ये? जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है. ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट. ओके, सो अ सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? ये मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है. अगर मैं लिखता हूं 2, 2 किसका है एलिमेंट? ए का. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द साइन, दिस साइन टू ए. इट मींस 2 belongs to A. इसका मतलब क्या है? 2 belongs to A. तो हमारा जो ये साइन है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है belongs to. क्या करते हैं? belongs to. ओके, तो इन सेट को, ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट्स है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी डू हैव 3 types ऑफ मेथड. दीज आर दी कॉमन मेथड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट. एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म, एक आपका होता है रोस्टर फॉर्म, और तीसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म. अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टेटमेंट में लिख दूं लाइक ऑल
इवन नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होंगे, वो होंगे 10 से छोटे जो आपके इवन नंबर है, लाइक 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा नहीं। तो आपके पास में ये आपका एक सेट हो गया, ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। तो जब हम इस तरह से वर्ड में अगर हम ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट्स को लिखते हैं, हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। और जब हम एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन पेयर ब्रैकेट, पेयर ब्रैकेट, अब ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपकी, ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर। अब तीसरी जो आपके पास में है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इट इज वेरी नेसेसरी दैट अ सेट शुड, ये जो सेट है, मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूं, अ सेट शुड फुलफिल द प्रॉपर्टी, फुलफिल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दैट इट्स मेंबर शुड सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं x is, जो x है, x क्या है, एक कोई सेट है, ये सेट क्या है, इज इवन नंबर, इवन नंबर है, एंड यहां पे कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, मतलब मैं इस सेट में x जो सेट है उसमें ऐसे नंबर लेना चाहता हूं, इवन नंबर जो 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल में एक 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। अगर मैं इवन नंबर लेस देन इवन नंबर टिल 30 लिखना चाहूं तो 24 एंड 28। तो ये सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और ये एलिमेंट्स जब हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने पढ़ा है बेटा, ये देखिए कि सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी सेट, जैसे कि यहाँ पे एक ए सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है ये, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं ए को लिखूं, ए किससे बिलोंग होता है, ए बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी, इट मींस ये बी सेट से बिलोंग है और 2 जो है वो ए सेट से बिलोंग, ठीक है। यहाँ पे वी हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ सेट, ओके। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कॉमन मेथड, स्टेटमेंट, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। सेट से रिलेवेंट हमारे पास में कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास में कंसेप्ट लाइक, हमारे पास ये कंसेप्ट है कि भाई इक्वल सेट क्या होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, सबसेट क्या होता है। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, देन वी हैव साइज ऑफ सेट, इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, एंड वी हैव पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनियन, इंटरसेक्शन,
देन डिसजॉइंट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, दीज आर दी कॉन्सेप्ट दैट आर रिलेटेड टू सेट। इक्वल सेट मतलब, इक्वल सेट का मतलब ये होता है, जैसे कि मेरे पास में एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट मान लेते हैं कि ये ए सेट है 2, 3, 4, 10, ठीक है। एंड बी सेट मान लेते हैं हम, बी सेट में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं 1, 3, 5, 7, 10, ठीक। यहाँ पे जो ये सेट है, ठीक, यहाँ पे ये एलिमेंट 4 है, इसमें एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट सेम नहीं है, ये एलिमेंट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। जब ये एलिमेंट्स सेम नहीं होते हैं, ठीक, तब हम इनको हम क्या कहते हैं, अनइक्वल सेट। क्या कहते हैं, अनइक्वल सेट। अगर एलिमेंट सेम हो, मान लेते हैं यहाँ पे सी सेट है, और सी सेट में आपके पास में मान लेते हैं 2, 4, 10, 3, ये सब है 2, 4, 10, 3। तो ए सेट में भी 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, सी सेट में 2, 4, 10, 3। यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। टू सेट सेट टू बी इक्वल, ए और बी सेट इक्वल तब कहेंगे जब इनके एलिमेंट सेम होंगे। क्या होंगे, जब एलिमेंट इनके सेम होंगे। इफ एलिमेंट्स आर सेम, जैसे कि ए और सी, ए और सी, तो जब दो सेट्स के एलिमेंट सेम होंगे, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा, तब हम उसको कहेंगे इक्वल सेट। क्या कहेंगे भाई हम, इक्वल सेट। सबसेट, सबसेट, सबसेट हम ये कहेंगे कि जो यहां पे ए और बी सेट है, ठीक, और सी सेट है, ठीक, अगर ए सेट बिलोंग करता है सी सेट से, क्या सी सेट से बिलोंग करता है, मान लेते हैं ये हम आगे बढ़ा देते हैं, और आगे बढ़ा देते हैं, क्या हम आगे ये बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं और ज्यादा, इसमें 3 हो गया, इसमें हमने 5 ले लिया, इसमें हमने 7 ले लिया, इसमें हमने 18 ले लिया, ठीक। यहां पे अगर गौर से देखा जाए ए और सी में, ए और सी में जो सी सेट है, सी सेट क्या है, बिगर सेट है, बिगर सेट है, और इस सी सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इंक्लूडेड इन सी, इंक्लूडेड इन सी, तो मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अ सबसेट मीन्स अ सेट is is to be subset of another set C if and only if every element of a set A is also part of other set C। यहाँ पे क्या है, जितने element A के हैं वो सब element C के अंदर भी है, तो it means जो A आपका set है, A is a subset of, A is a subset of C, okay। तो सबसेट हो गया, देन वी हैव साइज ऑफ सेट, जिसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट मींस कि भाई जो उस सेट में है उसमें एलिमेंट कितने हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम मोड लगाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ ए की, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 4। बी की कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी है 5। अगर सी की कार्डिनलिटी की बात करें तो सी की कार्डिनलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। समझ में आ गई, ओके। पावर सेट मींस क्या होता है कि उसमें पॉसिबल कोई भी
कोई भी क्या है? अगर कोई भी आपके पास सेट है तो पावर सेट मींस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट। लाइक हम यहां पे मान लेते हैं ए, ए हमारे पास सेट था 1012। इसके ऑल द पॉसिबल, ऑल द पॉसिबल सेट, ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ ए विल बी, इसको निकालने के लिए वी डू हैव फॉर्मूला 2n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट का मतलब होता है 8। तो हम इसमें से 8 पॉसिबल सेट बना सकते हैं। 8 पॉसिबल सेट कैसे बना सकते हैं? जैसे कि एक सेट बन जाएगा 0, 1, 1, एक सेट ये, एक सेट ये, 2, फिर मैं 0, 1, फिर 0, 2, 1, 2, देन वी हैव एक 5 सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, देन वी कैन हैव 0 1 2। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने बन गए? 8। तो यही आपका पावर सेट क्या है? पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? ऑल दी पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट। कि मेरे पास एक सेट था, कौन सा सेट था? ए सेट था, ये वाला, ये ए सेट था। इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं? ये 8। तो यही इसका क्या हो जाएगा? पावर सेट। यही क्या हो जाएगा इसका? पावर सेट। यूनियन मींस क्या होता है? यूनियन मींस ये होता है कि मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या है? यूनियन सेट ऑफ ए इज द सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए और सेट बी और बोथ। मींस जो ए सेट में है और जो बी सेट में, ए सेट और बी सेट में, दोनों में है वो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स belongs to A or B set, set A or set B or both। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास में set था, कहाँ था? ये दोनों में element कितने हैं भाई? A और B में, A में 2 3 4 10, then we have ए में 1 भी है, 3 आई गया है, 5 7। सो इट मींस जो दोनों में सेट मिला के, दोनों में एलिमेंट्स जो हैं, उन एलिमेंट्स, द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए और बी, ए और बी और बोथ, ठीक है? ये आपका ए यूनियन बी, यूनियन, ये यूनियन का साइन, ओके। नाउ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन इन बोथ सेट, कॉमन इन बोथ सेट ए एंड बी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ये साइन जो है, ये है इंटरसेक्शन का। किसका है? इंटरसेक्शन। तो बताइए ए और बी जो आपके पास में एलिमेंट्स, ए का मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 10, और बी का जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 7 10। सो व्हाट आर द कॉमन इन ए और बी सेट? वी डू हैव 3 एंड 10। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी सेट will be 3 10, A intersection B equals to 3 and 10, and disjoint means
नॉट सिमिलर, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, व्हेन द सेट्स आर नॉट, सेट्स, यस, सेट्स आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मीन्स नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, लाइक कि मैं यहाँ पे एक ऐसा सेट ले लेता हूँ 2, 3, 5, 10, 15 एंड बी सेट को मैं ले लेता हूँ ए बी सी, तो इट मींस ए सेट, सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट. अगर कॉमन एलिमेंट आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा कॉमन एलिमेंट आते ही वो हो जाएगा यूनियन या इंटरसेक्शन, सॉरी, और वी कैन हैव अ यूनियन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेट थियोरी एंड सम कॉमन कंसेप्ट रिगार्डिंग सेट. Now you can revise it from here, and now you can take a screenshot this one window, okay, then relevant concept here you can take the screenshot in an HD format, relevant concept, okay. तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में. अगली क्लास में हम लेके आएंगे सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स कैसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट कैसे होता है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं उसके लिए. थैंक यू, कीप हेल्दी, डू शेयर, सब्सक्राइब, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.